गुड मॉर्निंग गाइस, बज रहे हैं सुबह के 4। और कल हमने स्टोरी इसलिए नहीं डाली क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, बुखार था, वायरल हो गया है पूरे घर खानदान को हमारे, तो हाँ इसलिए कल स्टोरी नहीं डाली। आज कहानी सुनाएंगे कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा अपना। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि जो मेरा नया कॉलेज है जिसमें अब हम जाने वाले हैं, वो बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, मजा आ गया एकदम। अब आते हैं पुराने वाले कॉलेज पे। पुराना वाला कॉलेज कॉलेज नहीं था, परपंच का अड्डा था। वहां सारे टीचर सारे बच्चे इकट्ठे होते थे परपंच करने के लिए, पढ़ाई तो होती नहीं थी हमें लगता है भाई। हर दूसरे दिन कभी इंटरनल एग्जाम, कभी एक्सटर्नल एग्जाम, कभी ऐसा एग्जाम जिसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, कभी ऐसा एग्जाम जिसके नंबर जुड़ेंगे, कभी फाइल सबमिशन, कभी वाइवा। पागल हो गए थे, हर महीने में 25 दिन तो पेपर ही होते थे भैया वहां पे। चलो पेपर दे लिया दे लिया, टीचर अलग खुन्नस खाए थे हमसे। बच्चों ने क्लास में हाइप बना दी थी कि मिथिका मिथिका मिथिका, और हम ज्यादा कॉलेज नहीं जाते थे तो मिथिका 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 कर रहे थे बच्चे क्लास में। टीचर खा गई खुन्नस कि कैसे मिथिका कर कैसे रहे, इसको तो मैं जलील करूंगी। टीचर ने बनानी ये मेंटेलिटी, टीचर मेरी फाइल नहीं सबमिट कर रही है। 4 दिन हम गए कॉलेज, सुबह सबमिट करने फाइल, टीचर फाइल सबमिट ना करें। फिर जब हमने सबमिट करनी बंद कर दी तो फाइल मांगने लगी, तो हमने कहा अब तो नहीं दे पाएंगे देखो फाइल, जब दे रहे थे तो ले लेनी चाहिए थी फाइल, अब तो नहीं देंगे हम, भले हमको नंबर ना मिले पास तो हम हो ही जाएंगे, 33 नंबर तो आ ही जाएंगे मेरे। पहले तो भाई वहां के टीचरों में ये बहुत था कि कॉलेज की बदनामी हो रही है। अगर हम कॉलेज के लिए कोई भी स्टोरी डाल दे कि यहाँ पंखा नहीं चल रहा, यहाँ ये हो गया वो हो गया, कॉलेज की बदनामी हो रही है, कॉलेज का नाम है जो बदनामी होगी, बोलना नहीं चाहिए मुझे, पर बदनामी उसी चीज की होती है जिसका नाम हो। किसी को पता भी नहीं था 90% लोगों को कि हम किस कॉलेज की बात करें, पर हमें हर दूसरे दिन बुला लिया जाता था कि तुमने ये स्टोरी डाली मैंने देखा, तुमने वो स्टोरी डाली, मैं हाँ डाली मैंने स्टोरी, अब तो छोड़ दिया ना कॉलेज, अब कैसे रोकोगे, अब डालेंगे स्टोरी बताओ। अब देखो सही सही चीज बताएं, फाइल मत लो, नंबर मत दो, ये सब तो होता है कॉलेजेस में, करती हैं टीचर्स, नॉर्मल सी चीज है, पर तुम मेरे जीवन में घुस जाओ आके। ऐसे हमने स्टोरी लगाई थी कि पंखा नहीं चल रहा है यहाँ का, तो मेरे पास आ गए कह रहे हैं कि स्टोरी क्यों लगाई, हमने कहा नहीं चल रहा था सर पंखा, कह रहे बताओ कौन से कमरे का पंखा नहीं चल रहा, अरे रटे बैठे हैं कौन से कमरे में गए थे हम, तो फिर हमने कहा सर नहीं चल रहा था, नहीं चल रहा था, झूठ क्यों बोलेंगे हम। तो फिर कह रहे हैं कि अगली बार से स्टोरी मत लगा ना, एडमिशन नहीं होंगे, कॉलेज बदनाम हो जाएगा। अरे हमने कहा सर एक काम करिए पंखा ठीक करा लीजिए, नहीं लगाएंगे स्टोरी हम। अब क्या हुआ, टीचर्स जो थे ज्यादातर बाकी बच्चों से डिस्क्रिमिनेट करने लगे, कोई वाइवा नहीं ले रहा है, कोई फाइल नहीं ले रहा है, हम टाइम पे दे रहे तब भी मेरी फाइल नहीं ली जा रही, तब भी मेरा वाइवा नहीं लिया जा रहा है। इसके बाद हमको जैसे हम ग्राउंड में बैठे हुए हैं, सारे बच्चे ग्राउंड में बैठे हुए हैं, पर स्पेशली बुलवा के सिर्फ हमें और मेरे दोस्तों को हटवा दिया गया ग्राउंड से, पता नहीं क्यों। ठीक है ये सब सीन हुआ। अब टीचर तो चलो करो किया करो, बच्चे जो थे वहां के, एक इवेंट होता है ऐसे आलतू फालतू इवेंट होता है, तो हमने बोला कि हमको पार्टिसिपेट करना है, हमें पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया, बच्चों ने मना कर दिया, हमने कहा हमको पार्ट लेना है, कह रहे नहीं लेने देंगे पार्ट। और लड़की ने मेरे पीठ पीछे बोला था कि इसका ऑडिशन नहीं लेंगे हम, मुंह पे तो कोई कुछ बोल ही नहीं पाता था हमें बच्चा वहां पे। तो हमने कहा देखो यार, अब किसी ना ऐसे इंसान को जिसके पास सिंगिंग में डिग्री ना हो, जो जाहिल हो, जिसके पास दिमाग ना हो, बैल बुद्धि जंगली जानवर को हम ऑडिशन वैसे भी नहीं देंगे, अब हम सीधे जाएंगे प्रिंसिपल ऑफिस, वहां गाना सुनाएंगे, फिर कहेंगे मैम मुझे इवेंट में पार्ट नहीं लेने दिया जा रहा है, अब आप देख लीजिए। ठीक है ये प्लान था मेरा। तब तक मेरी मम्मी मेरी सिक्योरिटी को लेकर बहुत चिंतित हो गई कि कॉलेज से निकाल दिया गया, हमने इसीलिए इसको ऑल गर्ल्स कॉलेज डलवाया था कि सिक्योरिटी की चिंता ना करनी पड़े मम्मी को, और मम्मी भी इसीलिए मेरे साथ कॉलेज जाती थी कि उनको चिंता ना हो मेरी। अब भैया होता है मम्मियों में, मम्मी ने कहा जब हमको ऑल गर्ल्स कॉलेज में भी ये सब देखना पड़ रहा है तो इससे बेहतर हम किसी बेटर कॉलेज में डलवा दें, इसलिए मेरा एडमिशन हो गया अब एक बेटर कॉलेज में, जहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, स्टाफ बहुत सपोर्टिव है, और हम वहाँ के लोगों को पहले से जानते हैं। तो हाँ बताया हम गए वहीं होते, मेरी मम्मी की जिद थी कि ऑल गर्ल्स में भेजेंगे, सिक्योरिटी सिक्योरिटी निकल आए, सिक्योरिटी कांड करके चले आए हैं कॉलेज में, पैसा बर्बाद हो गया 6 महीने का। खैर तो अब हम बेटर कॉलेज में जा रहे हैं और वहां है यूनिफॉर्म, तो अब तुम्हें हम यूनिफॉर्म में दिखाई देंगे आगे आने वाले कुछ दिनों में। नहा धो के कलेस करने बैठा हूँ इंटरनेट पे दोबारा से आज। हाँ तो जो मेरे क्लास के बच्चे थे उन्होंने ना ऐसे टीचर के आगे मेरी इमेज बना रखी थी कि मैम मिथिका जो है बड़े बड़े लोगों के साथ काम करती है और मुंबई जाती रहती है। तो टीचर के क्या शब्द थे ये सुनिएगा आप,
कैसे माँ बाप हैं अपनी लड़की को काम करने दे रहे हैं, मुंबई जाने दे रहे हैं। हमारी लड़की हमसे कहती कि मुंबई जाना है तो मार जूता घर पे बैठा देते उसे। ये शब्द थे टीचर के मेरे क्लास के बच्चों के आगे। फिर कहोगे टीचर को नमन करो, तो भाई मुझसे नहीं हो पा रहा है नमन ऐसे टीचरों को। ऐसे ना इज्जत ऐसे दो साइडेड होती है, ऐसा नहीं होता मैम कि आप हमें कुछ भी अंट संट बोल लेंगी और जब हमारी बारी आएगी बोलने की तो आप टीचर बन जाएंगी, आप ऐसे मूरत बन जाएंगी अच्छाई की कि मैं तो टीचर हूँ मैं तो कुछ भी बोलूंगी, तो मैडम आई एम सॉरी मैं नहीं हूँ अच्छाई। और हमारी नहीं तो कम से कम मैडम अपनी इज्जत रख लेती है आपकी, आप बच्चों के आगे ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करती। होगा आपके पास 70 साल का एक्सपीरियंस पढ़ाने का, पढ़ा आप उसी कॉलेज में रही हैं पर, ठीक है। और दूसरी चीज होगा एक्सपीरियंस 70 साल पढ़ाने का, पर अगर 70 साल पढ़ा के ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा ना आपको, तो लाना थे उस 70 साल के एक्सपीरियंस पे, लाना थे उस पढ़ाई पे, लाना थे जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की, अगर यही मैनर्स हैं आपके। अब इससे ज्यादा तो हमें पता है कि टीचरों से कैसे बात करनी होती है, अपने जूनियरों से कैसे बात करनी होती है, इतने बदतमीज हैं, पर कभी किसी जूनियर से ऐसे बात नहीं की होगी हमने कि मार जूता। अबे कुछ और ही आखिरी चीज ज्ञान की बात। एक टीचर के जीवन में हजारों बच्चे आते होंगे, पर एक बच्चे के जीवन में लिमिटेड टीचर ही आते हैं, 4, 5, 10 ही टीचर आते हैं। तो एक टीचर की इम्पोर्टेंस बहुत होती है बच्चे के जीवन में, और जो वो टीचर बोलता है ना वो बच्चे के दिमाग में जीवन भर रहता है। आप तो टीचर हैं, आपके पास 1000 बच्चे हैं, आप किसी भी बच्चे को कुछ भी बोल के निकल जाएंगे आपको तो याद रहेगा नहीं, पर जिस बच्चे को आपने बोला है ना उसके दिमाग में चीज़ें रह जाती हैं। चाहे हम तो बेसरा में हमारे हमको तो कुछ लगेगा नहीं, पर बाकी बच्चों के लिए ये चीज़ है। और टीचरों की कुछ रेपुटेशन होती है, तो उसी को बचा लीजिए मैडम थोड़ा, है ना। कलेश करके ज्ञान देके 4-5 लोगों को बद्दुआएं देके अब जाने सोने। गुड नाइट गाइस।